डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप नामदेव आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक का। आज का टॉपिक है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ऑलरेडी सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में से दो टॉपिक्स अपन कवर कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन एंड सम न्यूमेरिकल्स ऑफ वर्टिकल सेक्शन प्लेन। तो जो आज न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे वो ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन के होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो देख लीजिए, आप उसको नोट भी कर लीजिए। अ हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ 30 mm base side and axis 65 mm long is resting on its base on HP with two edges parallel to the VP. It is cut by a section plane perpendicular to the VP, inclined at 45 degree to HP and intersecting the axis at a point 25 mm above the base. Draw the front view, sectional top view and true shape of the section. पहली चीज़ आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए, ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है। ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें कटिंग प्लेन VP के परपेंडिकुलर होता है और HP से किसी एंगल पे होता है। तो वही क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन को अपन दो पार्ट में करेंगे। पहले इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू के लिए जो डिटेल्स अपन को चाहिए क्वेश्चन से उनको ही रीड करेंगे, बाकी बाद में सेक्शन का पार्ट रीड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक हेक्सागोनल पिरामिड दिया हुआ है जिसका बेस साइड 30 mm का है और एक्सिस का लेंथ इसमें 65 है, यानी कि उसका हाइट, और उसका बेस HP पर है, यानी कि उसके बेस को आप HP पर रखेंगे। मगर उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है विथ टू एजेस पैरेलल टू द VP, यानी कि उसकी दो एजेस VP के पैरेलल होना ज़रूरी है जब उसका बेस HP पर हो। यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ आप साइड ड्रॉ करेंगे और लेफ्ट और राइट की तरफ कॉर्नर ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसका बेस HP पे होगा तो टॉप व्यू में हेक्सागन बनेगा और फ्रंट व्यू में ट्रायंगल बनेगा। तो पहले अपन क्या बनाएंगे, इसका टॉप व्यू, यानी कि टॉप व्यू में बनेगा हेक्सागन जो कि रेफरेंस के नीचे होगा। तो हमने अभी तक इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया है। टॉप व्यू फ्रंट व्यू अभी लाइट ड्रॉ करेंगे क्योंकि पूरे फिगर का अपन को फ्रंट व्यू टॉप व्यू नहीं बनाना है, सेक्शनिंग के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसका ही अपन को फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू अपना रेडी है। अब इन सारे पॉइंट्स को ऊपर की तरफ हम प्रोजेक्ट करेंगे। हमने इन सारे पॉइंट्स को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर लिया है। अब बनाएंगे इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के लिए पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे क्योंकि आपको पता है यहाँ से फ्रंट व्यू में जो एक्सिस होगी वो हिडन नहीं होगी, इसलिए एक्सिस को एक्सिस लाइन से ही बनाना है। तो हाइट कितना गिवन है इसका, 65 mm। तो 65 की डिस्टेंस पे अपन यहाँ पे हाइट पे जाएंगे और इसकी एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा ओ डैश। अब इनको अपन ज्वाइन करेंगे। अभी फ्रंट व्यू को लाइट बनाना है, जितना लाइट आप बना सकें क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन को ही आपको डार्क करना है। इसको अपन ने ज्वाइन किया, इस लेंटेज को भी अपन ने ज्वाइन किया, इनको भी अपन कंटिन्यूस लाइन से ही ड्रॉ करेंगे मगर लाइट ड्रॉ करेंगे। इसको भी ड्रॉ किया और इसको भी अपन ने ड्रॉ किया। अब इसके बाद नेमिंग कर देते हैं अपन। ओ डैश तो हो गया है, ये हो जाएगा ओ वन डैश, ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, एफ डैश, ये हो जाएगा सी डैश, ई डैश और ये डी डैश। ठीक है, इसका हाइट कितना था यहाँ पे 65, तो यहाँ लिख देते हैं अपन एक्सटेंशन लाइन से और डायमेंशन लाइन से इसका हाइट कितना है 65 है। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बारी आ रही सेक्शनिंग की। तो सेक्शनिंग करने से पहले सेक्शनिंग का जो क्वेश्चन में डिटेल्स दिया है उसको अपन रीड कर लेते हैं। डिटेल्स क्या दिया सेक्शनिंग का, इट इज़ कट बाय सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एचपी। यानी कि आप समझ जाएंगे यहीं से, अगर सेक्शन प्लेन वीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी से किसी एंगल पर है तो वो हमेशा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का केस होगा, AIP आप याद रखिएगा। और कहाँ से सेक्शन लाइन पास होगी, इंटरसेक्टिंग द एक्सिस एट अ पॉइंट 25 mm अबव द बेस, यानी कि बेस से 25 की हाइट पर जाना है आपको और वहाँ से सेक्शन लाइन पास होगी कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। ओके, 45 डिग्री पर अपन ने 25 mm की हाइट पे गए एक्सिस पर और अपन ने 45 डिग्री से उसको सेक्शनिंग कर दिया, यानी कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब नीचे वाला जो हिस्सा होगा दैट विल बी इन रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन को आपको डार्क करना है। तो इस सेक्शन लाइन से नीचे का जितना भी पार्ट होगा फिगर का उसको आप डार्क करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये डार्क करेंगे
इतनी स्लेंट एज को डार्क करेंगे, एक्सिस को डार्क नहीं करना है बिकॉज इट इज इमेजिनरी, इतने पार्क को भी डार्क करेंगे और बेस को डार्क करेंगे, तो ये फाइनल फिगर आपको नजर आएगा फ्रंट व्यू में आफ्टर सेक्शनिंग। अब यहाँ के जितने पॉइंट्स होंगे इनको भी नीचे की तरफ ट्रांसफर करना है, क्योंकि नीचे का भी टॉप व्यू जो बना हुआ है वो पूरा कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्शन लाइन से सेक्शनिंग जब सारे एजेस की बेस की हुई है, स्लेंट एजेस जो बेस की हुई है, तो कितने पॉइंट्स क्रिएट हुए, एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट होगा, 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 टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, वो चार हुए। तो अपन इन चारों को वन बाय वन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। अब बारी है इसको कैसे करना है, इसके लिए आप देखिएगा कि ये जो पार्ट है, ये जो पॉइंट है, ये कहाँ पे आ रहा है, बेस पे आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अगर बेस पे आ रहा है तो उसको बिल्कुल नीचे तक ले आएँ आप, सबसे पहले जहाँ पर होगा और सबसे आखिरी में जहाँ पर होगा, इन दोनों पॉइंट्स को आप मार्क कर लें। ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, स्लेंट एज पे आ रहा है, बी डैश, ओ डैश और एफ डैश और ओ डैश, तो इसको नीचे कहाँ लाएंगे, एफ ओ और बी ओ पर लेके आएंगे। तो ये इसको नीचे आप लेके आएंगे, तो इसको नीचे लेके आए एफ ओ पर, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, और एक लाएंगे बी ओ पर, एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, सी ओ और ई ओ पे लेके आना है आपको, तो ई ओ पे लेके आएंगे एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, सी ओ पे लेके आएंगे आपको एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। ये जो पॉइंट आ रहा है वो ओ डैश डी डैश पर आ रहा है, तो इसको कहाँ लेके आएंगे, ओ डी तक लेके आएंगे, तो इसको नीचे लेके आएंगे बाय लाइट लाइन ओ डी तक। ओके, अब ये सारे पॉइंट्स अपने आ चुके हैं, तो इसकी नेमिंग आप कर दें, इसकी नेमिंग हो जाएगी पी, इसकी क्यू, आर, एस, टी, यू और वी। अब इसकी नेमिंग आप देखते हुए ऊपर भी नेमिंग कर सकते हैं, तो ये पी है और ये वी है, तो ये हो जाएगा पी डैश और वी डैश, ये पॉइंट हो जाएगा क्यू और वी, तो ये हो जाएगा क्यू डैश और यू डैश, ये पॉइंट हो जाएगा आर और टी, यानी कि आर डैश और टी डैश, ये पॉइंट हो जाएगा एस डैश। नेमिंग करने में मेरे हिसाब से नीचे नेमिंग करेंगे तो सारे पॉइंट्स अलग अलग हो जाएंगे, नेमिंग करना आपको बहुत आसान हो जाएगी। अब क्या होगा, टॉप व्यू बनाने के लिए इन सारे पॉइंट्स को आपको जोड़ना पड़ेगा बाय डार्क लाइन। तो डार्क लाइन यानी कि पी से क्यू को आप ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन किया आपने डार्क लाइन से पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, टी से यू, यू को आप ज्वाइन करेंगे टी से यू को, यू से वी, वी से पी। तो ये जो आपको मिलेगा, ये जो एरिया आपको इस बाउंड्री से मिल रहा है, दैट इज कट सेक्शन एरिया। कट सेक्शन एरिया में आप हैशिंग करेंगे, हैशिंग कितने एंगल पे करना है, 45 डिग्री पे। ओके, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस एरिया को जो मैंने पी क्यू आर एस टी यू वी पी से मार्क की बाउंडेड किया था, उसको मैंने हैशिंग कर दिया 45 डिग्री पे। ऑलरेडी आपको पता है हैशिंग कैसे करनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, वेरीफाई करना है कौन कौन से बेस की एजेस और स्लेंट एज जो रिमेनिंग है वो आपको डार्क करनी होंगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जैसे कि ए से वी आप देखेंगे तो ए से वी यहाँ पे ये हिस्सा लाइट बनाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट से अलग हो चुका है, इसको डार्क नहीं करना है। सिमिलरली उसी वे में ए से पी आप देखेंगे, ए से पी आप देखेंगे लाइट है, तो यहाँ पे लाइट रहेगा। बाकी सारी ये वी से पी, सॉरी वी से एफ, तो वी से एफ ये डार्क पोर्शन में, इसे डार्क करना है आपको। एफ से यू, एफ से यू ये भी डार्क है, इसे डार्क करना है। एफ से ई, एफ से ई, यानी कि आप वन बाय वन देखेंगे इस तरफ की जितने भी स्लेंट एज रिमेनिंग वाली हैं और बेस एज, इन सबको डार्क करना, बस यही दो बेस एजेस लाइट रहेंगी। तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ, कोशिश मेरी यही कि वीडियो को बहुत शॉर्ट किया जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। ओके, मैंने जितने भी रिमेनिंग पोर्शंस थी जो डार्क होनी थी, मैंने सारे बेस एजेस और स्लेंट एजेस को डार्क कर लिया है, आपको विजिबल होगा। अब एक्चुअली टॉप व्यू में यानी कि ऊपर से जब इस ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो ऐसा आपको नज़र आएगा। अब बारी है इसके ट्रू शेप की। अब ट्रू शेप की ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की, ट्रू शेप हमें जब बनाना पड़ता है जब जो फ्रंट व्यू या टॉप व्यू दोनों व्यू में से कट सेक्शन एरिया अपन को जब दिखता है ड्रॉ करने के बाद में, तो वो आपको उसका शेप या उसका साइज आपको एक्चुअल से छोटा नज़र आता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कटिंग प्लेन है, सपोज दिस इज अ कटिंग प्लेन। वो कटिंग प्लेन क्या है, अभी अगर ये एचपी के पैरल होता तो आपको टॉप व्यू में
कट सेक्शन एरिया एक्चुअल नज़र आता, मगर जैसे ही आपने इसको इंक्लाइंट किया क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका कटिंग प्लेन है वो एच पी से इंक्लाइंट है, यानी कि टॉप व्यू में आपको कट सेक्शन एरिया एक्चुअल साइज़ का नहीं मिलेगा। ऑलरेडी लाइन का केस देख लीजिए, लाइन में भी ये होता है, अगर लाइन एच पी से इंक्लाइंट होता है, लाइन को आप एच पी से इंक्लाइंट कीजिए कितने भी एंगल पे, जब इसको आप टॉप व्यू देखेंगे तो लाइन आपको टॉप व्यू में छोटी नज़र आएगी। सेम केस यहीं पर है, टॉप व्यू में आपको जो कट सेक्शन एरिया है, जो मैंने जिस पोर्शन को हैश्ड किया है, वो पोर्शन आपको छोटा नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे एक्चुअल इसका साइज निकालना पड़ेगा, उसी को कहा जाता है ट्रू शेप। तो मुझे ट्रू शेप अलग से बनाना है। अब देखेंगे ट्रू शेप अपन कैसे बनाएंगे। ट्रू शेप बनाने के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, आपको करना क्या है ट्रू शेप के लिए, यहाँ से एक आपको रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि ड्राफ्टर सेट करना है आपको सेक्शन लाइन पर, और यहाँ पर जाके ऊपर जाके आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी एक रेफरेंस लाइन ही होगी, इसको नाम दे सकते हैं एक्स वन और वाई वन। अब यहाँ पे जो पोर्शन है, यहाँ पे बनाऊंगा ट्रू शेप, तो ट्रू शेप के लिए रेफरेंस लाइन होगी वो ये होगी, ना कि एक्स वाई। अब करना क्या, जितने भी पॉइंट्स अपन को यहाँ पे सेक्शन लाइन पे मिले, कितने पॉइंट्स मिले थे, 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों को अपन को इस सेक्शन लाइन से परपेंडिकुलर अपन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, लाइक दिस। अभी लाइट लाइन का यूज़ करना है आपको, तो इस पॉइंट को लेके जाऊंगा, एक ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, इन चारों को मैं ऊपर लेके जाऊंगा। अब करना क्या है, मुझे कॉम्पास की जरूरत मुझे होगी, ओके कॉम्पास की जरूरत है मुझे। कॉम्पास से करना क्या है, मुझे इस एक्स वाई से इन सारे पॉइंट्स जो आपको टॉप व्यू में दिख रहे हैं, पी क्यू आर, नीचे देखिए आप, पी क्यू आर एस टी यू वी, इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस मुझे लेनी है, कहाँ से लेनी है, एक्स वाई से, और इस एक्स वन वाई वन से डिस्टेंस लेके वो कट करना है, यानी कि इन लाइंस को मुझे कट करना है, यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करना है सेम डिस्टेंस पे। देखिए कैसे करना है इसको, पहले वी पॉइंट मार्क किया मैंने, वी की डिस्टेंस ली फ्रॉम द रेफरेंस, लिया मैंने डिस्टेंस वी का फ्रॉम द एक्स वाई, और इस एक्स वन वाई वन पे जाके मुझे उस डिस्टेंस पे लेके यहाँ पे कट करना है। मैंने क्या किया, इस वी का डिस्टेंस लिया फ्रॉम एक्स वाई, और मैंने इस x1 y1 से डिस्टेंस लेके यहाँ पे कट किया, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं v1। सिमिलरली उसी वे में मुझे क्या करना है, इस p पॉइंट का डिस्टेंस लेना है x1, सॉरी x और y से, और उसी x1 y1 पे जाके मुझे कट करना है। तो ये पॉइंट मुझे कौन सा मिलेगा, ये मुझे मिलेगा p1। एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट्स है ना, तो आप मान लीजिए यहाँ पे इस लाइन पे भी दो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं q डैश और u डैश, यहाँ पे भी दो पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे भी दो मिलेंगे, यहाँ पे सिंगल पॉइंट मिलेगा s, तो वही करना है मुझे। अब अगला क्या करना है, मुझे u का डिस्टेंस लेना है फ्रॉम एक्स वाई, यू का डिस्टेंस लिया एक्स वाई से मैंने, अब इस लाइन पे जाना है। देखिए ये u कहाँ पे है, इस पे है, यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ से जाके डिस्टेंस लेके मैं यहाँ पे कट करूँगा। कट करने पे क्या होगा, ये पॉइंट मुझे कौन सा मिलेगा, ये मुझे मिलेगा u1। कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे, u1। अब फिर मुझे क्या करना है, इस q का डिस्टेंस लेना है इस पॉइंट से रेफरेंस से, और फिर से यहाँ पे जाना है एक्स वन वाई वन पर, यहाँ पे जाके कट करना है। कट करने पे मुझे पॉइंट कौन सा मिलेगा, क्यू वन मिलेगा यहाँ पे, ओके। सिमिलरली यही प्रोसीजर फॉलो करना है और सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ओके। आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया ऊपर की तरफ, जैसे कि मैंने इन सबको ट्रांसफ़र किया था। अब फाइनली मुझे करना क्या है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, पी वन से क्यू वन को ज्वाइन करना है। डार्क लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, डार्क लाइन ही आपको यूज़ करना है यहाँ पे, फिर Q1 से R1, R1 से S1, S1 से T1, इस तरह से सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें, ओके। मैंने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को आपस में डार्क लाइन से जोड़ लिया, तो ये मेरा ट्रू शेप होगा जो टॉप व्यू में मुझे छोटा साइज का नजर आ रहा था। अब मुझे हैशिंग करनी है, हैशिंग करने के लिए आप बिल्कुल याद रखिए, नीचे टॉप व्यू में जो हैशिंग की थी, देखिए आप नीचे जो मैंने हैशिंग किया था, यहाँ पे हैशिंग करने के लिए यहाँ पे जो 45 डिग्री की लाइन ली थी मैंने, इसके लिए रेफरेंस एक्स वाई था, मगर यहाँ पे जो हैशिंग करूँगा मैं यहाँ पे हैशिंग के लिए, क्योंकि इस फिगर के लिए रेफरेंस एक्स वन वाई वन है, ना कि एक्स वाई, तो मुझे जो एंगल मेंटेन करना है 45 डिग्री, वो कहाँ से करना है, एक्स वन वाई वन से करना है। और एक चीज़ ये भी याद रखिए, टॉप व्यू में हैशिंग के लिए जो एंगल आपने लिया था वही एंगल आपको यहाँ लेना है, यानी कि टॉप व्यू मैंने एक्स वाई से 45 डिग्री एंगल लिया था, तो यहाँ पे भी मैं इस एक्स वन वाई वन से 45 डिग्री लूँगा। यहाँ पे ड्राफ्टर से क्या करना है, ड्राफ्टर इस पर सेट कर लीजिए आप, और फिर उसमें 45 डिग्री प्लस या माइनस कर लीजिए, तो आपका ड्राफ्टर 45 डिग्री पर सेट हो जाएगा फ्रॉम एक्स वन वाई वन, और यहाँ पर हैशिंग कर लेता हूँ, ठीक है।
ओके मैंने हेस्ट कर दिया इसको 45 डिग्री फ्रॉम एक्स वन वाई वन, तो ये फाइनल कंप्लीट फिगर है, देख सकते हैं आप, दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।